देखो भाई, सेवेंथ क्लास, इनसाइड द प्लेस द मैन इज क्रेजी, महल के अंदर आदमी पागल हो गया है, ये मैंने पढ़ा दिया था, तुम फिर थोड़ा सा बता देते इसके बारे में। थ्रो हिम आउट एट वंस, उसको एकदम बाहर फेंक दो। आई वांट टू सी द किंग, लेट मी इन, मेरे को राजा से मिलना है, मेरे को अंदर आने जो दो। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, उस आदमी को एकदम यहाँ ले आओ। यस योर मैजेस्टी, ठीक है महाराज। उसके बाद देखो, गोपाल वाज ब्रोट बिफोर द किंग, गोपाल को राजा के सामने लाया गया। इट्स गोपाल, ये गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, आदमी ने अपना आत्मनियंत्रण खो दिया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, हाँ ये हो सकता है उसका कोई मजाक हो। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, ठीक है गोपाल बताओ। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन, तुमने इतने विचित्र कपड़े क्यों पहन रखे हैं। यू मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, कहते हैं महाराज आप कुछ भूल रहे हैं। फॉरगॉटन समथिंग, कुछ भूल रहा हूँ। स्ट्रेंजली इनफ टू नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टूडे, कहते हैं कि वो कितनी विचित्र बात है, आज किसी को भी किसी हिल्सा मछली के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट ए सोल हैज स्पोकन ए वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, कहते हैं कि मार्केट से लेकर के राजा के महल तक और दरबार तक किसी भी एक आदमी ने में से हिल्सा मछली के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, केवल राजा को तभी याद आया कि उसने गोपाल को कोई चैलेंज दिया था। हाँ हाँ वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, राजा हंसता है, ठीक है गोपाल बधाई हो। यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन, तुमने फिर से जो ना अकल्पनीय टास्क है यानी कि जो काम ना करने योग्य है उसको भी, मुश्किल से जो काम होता है उसको कर दिखाया है, असंभव को फिर से संभव कर दिखाया है। ठीक है भाई, राजा और गोपाल के बीच एक चैलेंज लगा था और आपस में गोपाल ने उसको पूरा कर दिया बिना हिल्सा मछली के बारे में बात की। ठीक है, ये इस लेसन के बारे में था, कॉमिक फिगर है, इसके अंदर वर्ड मीनिंग है नहीं। और क्वेश्चन आंसर मैं तुम्हें इसमें पीडीएफ में डाल दूँगी।